वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है संडे और यूजुअली मैं संडे को जो है वो स्किन एक्सफोलिएट करती हूँ, एक्सफोलिएटिंग पील्स अप्लाई कर। लेकिन मेरे पास यहाँ पर है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ब्राइटनिंग फेशियल किट, तो मैंने सोचा कि आज इसी को आप लोगों के साथ ट्राई कर चेक करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ये मेरा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट जो है वो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जो कि ऑर्गेनिक वे में, नेचुरल वे में जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मेरे पास यहाँ पर है विटामिन सी ब्राइटनिंग फेशियल किट जो कि इस तरीके के स्मॉल पाउच में आता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो बैक साइड आपको इसकी सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। इसका जो MRP है वो 325 रुपीज है और आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। और फेशियल किट है ये विटामिन सी रिच्ड है, इसमें काकादू प्लम और एशिया बेरी दोनों ऐड किया हुआ है। तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रही हूँ, तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास टोटल 5 पाउचेस जो है वो रिसीव हुए हैं इस पैक में। इस फेशियल किट की जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है जो कि काफी अच्छी चीज है। स्टेप 1 जो है वो एक फेस क्लेंजर है, तो एक ये जेल कंसिस्टेंसी में फेशियल है क्लेंजर है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी है। इसमें बहुत माइल्ड सी एक फ्रेग्रेंस है जो रेगुलर फ्रेग्रेंस होती है फेस वॉशेस की वैसी। जैसे कि इसके फर्स्ट स्टेप पे मेंशन किया हुआ है 2 मिनट्स तक मैं इसे अपने फेस पर मसाज करूंगी, फिर अपने फेस को वॉश कर दूंगी। तो फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मेरा फेस जो है वो काफी ज्यादा रिफ्रेश लग रहा है। स्टेप नंबर 2 है फेस स्क्रब। इस तरीके का फेस स्क्रब है, इसमें बहुत हम इसे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। इसमें बहुत माइल्ड से छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स है जो कि बिल्कुल भी हार्श नहीं है फेस पर। टू स्क्रब को अच्छे से 2 to 3 मिनट्स तक अपने फेस पर अप्लाई करना है। स्क्रब हो गया है, स्क्रब काफी ज्यादा क्रीमी था और बिल्कुल भी हार्श नहीं था स्किन पर और बहुत अच्छे से जो है मेरे पोर्स वगैरह सारी चीजों को क्लीन किया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे जो कि है फेस जेल। फेस जेल जो है वो इस तरीके का है। ये जो जेल है वो काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा है और एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो फेस पर दे रहा है। मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है इसको अप्लाई करने के बाद। स्क्रब करने के बाद मेरी स्किन जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गई। स्टेप 3 को जैसे कि डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर जब तक अब्सॉर्ब नहीं हो जाता तब तक इसको मसाज करना है। फेस जेल जो है वो बहुत अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये जो मसाज क्रीम है इसको 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पर अप्लाई कर मसाज करना है और उसके बाद एक्सेस को जो है वो कॉटन पैड से रिमूव कर देना है। तो ये मसाज क्रीम जो है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आप देख सकते हो क्रीमी टेक्सचर में है। और अब फाइनल जो है स्टेप नंबर 5, ये है लास्ट स्टेप इसका और ये है एक फेस मास्क। इसको मैं अप्लाई कर लूंगी और अप्लाई कर इसको जब तक सूख नहीं जाता तब तक इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रखूंगी एज मेंशन्ड। इस तरीके का है ये फेस मास्क जो है वो। फेस मास्क भी मैंने अप्लाई कर लिया है और फेस मास्क भी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लग रहा है फेस पर। अब इसे ड्राई होने तक अपने फेस पर रखूंगी और फिर फेस वॉश कर आप लोगों के साथ फाइनल जो रिजल्ट है इस फेशियल का मैं शो करूंगी।
फेस मास्क मेरा जो है वो ड्राई हो गया है, गाइस मेरा फेशियल हो गया है और मुझे जो है मेरी स्किन काफी ज्यादा ब्राइट लग रही है पहले से, और मुझे इस फेशियल का रिजल्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट आप भी एक बार ट्राई करो, जरूर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।